हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का असाइनमेंट। इसके पहले हमने सेक्शन ई, सेक्शन बी और सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 6 पूरा कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन सी का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है। इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट इथ ओ, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90, एंगल पी ओ वाई ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। एन ए रेशियो बी इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सी फाइन करना है। चलो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि भाई ए बाई बी क्या है, हमारे सामने 2/3 है और हमारे सामने एंगल पी ओ वाई क्या है, 90 है। हमको फाइन करना है सी। अब देखिए यहाँ पे ए बाई बी कितना है, 2/3 है, पी ओ वाई कितना है, 90। तो पी ओ एक्स भी कितना होगा, ये भी 90 है ना, देखिए 90 दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई एंगल पी ओ एक्स कितना है, 90 है। ए बाई बी 2/3 है और हमें सी फाइन करना है, सी वाला एंगल फाइन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बी फाइन कर लेते हैं। ये देखो हम बी फाइन कर लेंगे, फिर जो भी एक स्ट्रीट लाइन होता है वहाँ पे जो 180 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी एक स्ट्रीट लाइन है, यहाँ पे भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। वहाँ पे भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, हम बी फाइन कर लेंगे। तो 180 में से बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 हमने देख के पता कर लिया है। अब यहाँ पे हम एंगल बी को सब्जेक्ट बनाएंगे, 90 माइनस एंगल ए, ठीक है। ए डिवाइड बाय 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए, हम एंगल ए को सिर्फ अभी ए लिखते हैं, ए इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस ए, 3a इक्वल टू 9 3 9 2 180 माइनस में 2a इधर आ जाएगा 5a इक्वल टू 180, ए डी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, 5 3 15, 3 बचा 5 3 15, 5 6 30। यहाँ पे हमें ए मिल गया, ए इक्वल टू हमारे सामने 36 आ गया। अब बी कैसे फाइन करेंगे, ये वाले इक्वेशन में हम ए की जगह पे रख देंगे, हमें बी मिल जाएगा। तो बी इक्वल टू 90, ये ए इधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए, बी इक्वल टू 90 माइनस 36, जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए देखो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 3 गया कितना, 54। तो बी हमारे पास कितना आ गया, 54। जब हमारे पास बी 54 आ गया तो देखिए ध्यान से, हमारे सामने बी 54 आ गया। अब ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस 54 करेंगे तो हमारे पास सी मिल जाएगा, ठीक है। हम कर रहे थे सी इक्वल टू, देखिए सी इक्वल टू 180 माइनस बी, 180 माइनस बी यानी सी इक्वल टू 180 माइनस में 54 कर लेंगे। तो सी इक्वल टू यहाँ पे 10 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 126। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने। इसमें हमसे बोला गया है इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। हमको बोला गया रेशियो दिया गया वाई बाई जेड, वाई बाई जेड का हमें रेशियो दिया गया है 3/7। तो हमें क्या फाइन करना है, एक्स फाइन करना है। अब देखिए हम इसको कैसे फाइन करेंगे, देखिए अब ये जो वाई है ये और ये भी वाई होगा, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा, अब वाई होगा। अब ये वाला हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो वाई प्लस जेड कितना होगा, 180 होगा, जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से देखिएगा, ये वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 कैसे हुआ, क्योंकि कैसे हुआ, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, ठीक है। ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल है इसलिए इनका सम क्या होगा, 180 होगा। और हम क्या करेंगे, हमें x फाइन करना है। देखिए x कैसे फाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ से हम ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से वाई फाइन कर लेंगे। वाई फाइन करने के बाद अगर ये वाई तो ये भी वाई होगा, क्योंकि दोनों क्या है क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर ये वाई होगा तो देखिए ये जेड बन रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। जब ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा तो ये 180 में से इसको माइनस करेंगे हमें एक्स मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, वाई फाइंड करेंगे। देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया था वाई बाई जेड का रेशियो, तो वाई बाई जेड का रेशियो हमको 3:7 दिया गया। सिंपली हम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं वाई को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो हम यहाँ पे जेड को सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हमें वाई मिले, ठीक है। जेड को सब्जेक्ट बना लेते हैं, जेड इक्वल टू 180, ये उधर जाएगा माइनस वाई आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जेड को यहाँ पे रखेंगे, वाई डिवाइड बाई 180 माइनस वाई इक्वल टू 3:7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7y इक्वल टू 3 × 180 माइनस वाई, 7y ये आ जाएगा 18 × 54 0 माइनस में 3y इधर जाएगा 3 + 7y प्लस में 3y इक्वल टू 540, ये आपका आ जाएगा 10y इक्वल टू 540, ठीक है। y इक्वल टू 540 डिवाइड बाय 10, 0 0 चला जाएगा, y इक्वल टू आपका कितना आ गया 54 आ गया। देखो y इक्वल टू में 54 मिल गया, और जब हमें y इक्वल टू 54 मिल गया तो ये y है तो ये भी कितना होगा 54 होगा। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जेड बन रहा है तो ये y है तो ये भी y होगा। हमने y फाइंड किया, कितना फाइंड किया 54 फाइंड किया। अब ये जो पूरा स्ट्रेट एंगल है 180 का, तो 180 में से 54 को माइनस कर देंगे हमें x मिल जाएगा, ठीक है। तब उसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से 180, देखिए हम क्या लिखते हैं x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 180 माइनस वाई। अब हमने y फाइंड किया कितना 180 माइनस 54, तो x इक्वल टू के 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका कितना आया 126 आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें हमसे बोला गया है इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये दोनों कैसे पैरेलल है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देखो सी डी पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, एंड जी ई डी का है जी ई डी की टोटल ये पूरा कितना है 126 है, ओके। फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, GEF यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, और FGE ये वाला एंगल फाइंड। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल GED टोटल एंगल हमें दिया गया है 126, ये हमको दिया गया 90 डिग्री, तो हम 126 में से 90 को माइनस कर देंगे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे GED इक्वल टू, ठीक है ये GED है, उसमें से हम क्या करेंगे हमें ई वाले एंगल को माइनस करेंगे हमें ये मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे जी ई एफ इक्वल टू जी ई डी माइनस एफ ई डी, ठीक है। तो हमें जी ई एफ मिल जाएगा, हमें एक एंगल मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 126 माइनस 90 इक्वल टू ये आ जाएगा, तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस एफ ई डी, ठीक है। एफ ई डी कितना है 90 डिग्री, तो जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90, ठीक है जी ई एफ। तो इसमें से हम 90 को माइनस करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 36, तो एंगल जी ई एफ, देखिए जी ई एफ हमारे पास कितना आ गया 36, तो हमें एक एंगल मिल गया जी ई एफ। अब देखिए ये जी ई एफ ये कितना 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल जी ई ए हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये मिल जाएगी कि एक ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमें मिल गया, कितना मिला ये वाला एंगल हमें 36 मिला, ठीक है ये वाला एंगल हमें 36 मिला, ये 90 है तो ये हमें मिल जाएगा। हम इसको लिखेंगे जैसे देखो एंगल जी ई एफ यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जी एफ ई प्लस ये वाला एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल में पता चल गया 36 है, ये वाला हमें पता है 90 है, तो ये वाला हमें मिल जाएगा एफ जी ई इक्वल टू 180।
इसको हम प्लस करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, ठीक है। 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका कितना है 54 डिग्री आया, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, अब एफ जी ई कहाँ है, एफ जी ई भी फाइंड कर लिया, कितना आया ये आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई फाइंड, ये हमने एंगल फाइंड कर लिया 54 डिग्री। अब देखिए ये 180 में से जब हम 54 को माइनस कर देंगे तो ए जी ई हमें मिल जाएगा, ओके हम लिखेंगे ए जी ई इक्वल टू 180 माइनस में 54, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, 7 में से 5 गया 2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक। हमें एंगल मिल गया, तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे सामने। इसमें हमसे बोला गया है इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है इस पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ई ए जो है ई ए वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर, देखिए ये ई ए जो है इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। इफ़ एंगल बी ई एफ, बी ई एफ ये हमारे पास 55 डिग्री दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए ये यहाँ पे कितना 90 डिग्री बना रहा है, जब यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो 90 में से 55 को माइनस कर देंगे हमें जेड मिल जाएगा, बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, हमें ए ई और बी एंगल हमें मिल जाएगा, यानी जेड मिल जाएगा हमें, तो हम लिखेंगे जेड। देखिए तो आगे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे सामने, देखिए जेड इक्वल टू ये पूरे 90 में से 55 को माइनस कर लेंगे, जेड इक्वल टू 90 माइनस 55, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 90 माइनस 55 करेंगे, देखो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो जेड की वैल्यू जब हमें मिल गई है तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे वापस हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज होगा, यहाँ पे भी देखिए जेड बन रहा है, ये तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा, जब ये वाला एंगल हमारे पास 55 होगा तो ये 180 में से जब 55 को माइनस करेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा, ठीक है। हम ये भी कर लेते हैं, देखिए ध्यान से वाई इक्वल टू ये पूरे में से 180 माइनस 55, 180 माइनस में 55 इक्वल टू देखो 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा 124, ठीक है। कितना आया 120, ठीक है, सॉरी 10 में से 5 गया 5 आएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारे पास कितना आएगी 125 आ गई। अब ध्यान से देखिए ये जो है ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, सेम है, तो ये जब वाई है तो वाई इक्वल टू एक्स होगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हमारे पास एक्स भी कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू क्या है, आर एस के पैरेलल है, एम एक्स क्यू हमारे पास 31 दिया है, एम एक्स क्यू क्या दिया है हमारे पास 135 दिया हुआ है, एंड एम वाई आर यानी कि ये एम वाई आर ये हमें 40 दिया है, तो हमें एक्स एम वाई ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना। देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पी क्यू और आर एस के पैरेलल होते हैं, हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, हमें ऐसा बोला गया कि ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अब देखिए ये वाला जो हम लाइन बनेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, ये यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, ये वाला एंगल जो होगा वही ये वाला भी एंगल होगा, ये 40 है, कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया। अब ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से जब हम 135 को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए एंगल पी एक्स एम यानी कि एंगल पी एक्स एम इक्वल टू 180 माइनस 135, तो आप इसको माइनस करोगे आपका आंसर 45 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास 45 आ गया, ये जब हमारे पास 45 आ गया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल हमारे पास 45 आ जाएगा, जब ये वाला एंगल हमारे पास 45 आ जाएगा और ये हमारे पास 40 आ गया, हमें यही तो चाहिए था, ये क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो हम लिख देते हैं कि भाई एंगल एक्स एम वाई यानी एक्स एम वाई ये वाला एंगल, देखिए एक मिनट, ये वाला एंगल जो होगा आपको ये 45 और 40 के बराबर होगा, हम लिखेंगे 45 प्लस 40 इक्वल टू 85 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है इन दी फॉलोइंग फिगर
पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, वाई जेड कहाँ है हमारे पास, वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू आर एस, मैंने बोला है एस जेड एक्स, ये देखिए एस जेड एक्स, ये वाला एंगल हमारे पास पूरा एंगल एस जेड एक्स, एक्स जेड एक्स 143 डिग्री दिया गया है, हमें क्या फाइन करना है, पी एक्स जेड फाइन करना है, देखिए पी एक्स जेड यानी ये वाला एंगल फाइन करना है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई ये वाला एंगल फाइन करना है, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ये वाला एंगल फाइन, देखो सिंपली बहुत ईजी है। अब देखिए ये पूरा एंगल हमें दे दिया गया है और ये 90 है, ये पूरे एंगल में से आप 90 को माइनस करोगे आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है आपको ये वाला एंगल मिल गया, ठीक है। अब ये एंगल हमारे पास 90 दिया ही है, अब तीनों एंगल का सम होता है 180, आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ये वाला एंगल भी आपको पता चल जाएगा, इसको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, एंगल जेड प्लस वाई 90 प्लस ये इक्वल टू 180, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे 180 में से ये वाला एंगल को माइनस कर दोगे, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये आप खुद से सॉल्व करना, अगर आपको ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे सामने। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है, ए पी सी, देखिए ए पी सी हमारे पास रेशियो बी पी सी, BPC, ठीक है, ये दोनों का रेशियो हमारे पास 7:8 दिया है, तो हमें सभी के सभी एंगल्स फाइंड करने, बहुत ही ईजी, देखिए ये दोनों का रेशियो हमें दिया गया है, ठीक है, इन दोनों का सम हमारे पास ये होगा, देखिए थोड़ा सा करके बताता हूँ, देखिए ये दोनों का रेशियो हमें दिया गया है, एंगल APC डिवाइड बाई एंगल BPC इक्वल टू 7:8 है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास ये दोनों का सम हमें 180 होगा, हमें पता चल गया, ठीक है, तो एंगल PC प्लस एंगल CPB इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। अब आप फाइन कर सकते हो एंगल, जैसे हम ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत पहले कर चुके हैं बहुत सारे, आपको क्या करना है, एक को सब्जेक्ट मानना है, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको एक एंगल मिल जाएगा, जब आपको एक एंगल मिल जाएगा जैसे कि ये वाला एंगल मिल गया तो आपको ये दूसरा एंगल भी मिल जाएगा, उस दूसरे इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो ये दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो ये एंगल है वही ये भी एंगल होगा, जो ये एंगल होगा वही क्या होगा, ये भी एंगल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे सामने, तो इसके आगे से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हम कैसे अपलोड करेंगे, हम सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको लिख देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लिख देंगे और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं बचा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।